एनके सिंह, एनके सिंह उनके सांसद थे, जदयू के सांसद थे और 15th कमीशन के चेयरमैन थे, क्यों नहीं उन्होंने 14th फाइनेंस कमीशन के निर्णय को बदला? केवल और केवल एनके सिंह ही चाहते तो 14th फाइनेंस कमीशन में जो हो गया था कि विशेष राज्य खत्म हो गया, उसको वह बदल सकते थे। तो नीतीश कुमार जी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है, नहीं तो एनके सिंह की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि नीतीश कुमार जी के ही पैरवी के कारण एनके सिंह। आप देख रहे हैं केवल सच। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लालू यादव से पूछा, 4 लाख में 150 करोड़ का मकान डिफेंस कॉलोनी में कैसे मिला? लालू यादव के साथ तबीयत खराब हो, नीतीश जी इलाज के लिए बाहर जा चुके हैं, जिस तरह से उन्हें भूलने की बीमारी हो चुकी है, जिस तरह से वो रात को सपने देखते हैं और उसे दिन में बोलने की आदत हो गई है, वो लाइलाज हो गए हैं। वहीं विशेष राज के दर्जे की नीतीश कुमार की मांग पर संजय जायसवाल ने कहा कि एनके सिन्हा जदयू के सांसद थे और 15वें कमीशन में शामिल थे, क्यों नहीं उन्होंने फाइनेंस कमीशन के निर्णय को बदल दिया? वह चाहते तो इस निर्णय को बदल सकते थे, मगर नीतीश कुमार के खाने और दिखाने का दांत अलग है और यह बात नीतीश कुमार स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि एनके सिन्हा की रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है। हम लोगों ने भी मांग की थी, दुनिया, संजय जायसवाल ने आगे क्या कहा? देखिए, जिस तरह से हालात बने हैं और 4.5 लाख रुपया का जो डिफेंस कॉलोनी का मकान दिया गया और जिसने दिया वो आज जेल में है, तो जाहिर बात है कि लालू जी और नीतीश जी की तबीयत खराब होनी ही है, क्योंकि ये लोग तो मान के चलते थे कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि डिफेंस कॉलोनी में 4.5 लाख में 150 करोड़ का मकान कैसे मिल गया। अब आज जब अमित कात्याल जेल में है तो लालू जी के साथ नीतीश जी की भी तबीयत खराब हो ही जानी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इलाज के लिए गए हैं और आप लोग हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, महागठबंधन सिर्फ रोजगार की बात। नीतीश कुमार जी इलाज से बाहर जा चुके हैं, नीतीश कुमार जी इलाज से बाहर जा चुके हैं। मैं भी पेशे से डॉक्टर ही हूँ और जिस तरह से उनकी भूलने की बीमारी और जिस तरह से रात को जो सपना देते हैं देखते हैं उसको दिन में कहने की बीमारी हो गई है, उसका कोई इलाज अब नहीं है। सर, विशेष राज्य की दर्जा की लगातार मांग हो रही है, कहा जा रहा है कि एनके सिंह, एनके सिंह उनके सांसद थे, जदयू के सांसद थे और 15th कमीशन के चेयरमैन थे, क्यों नहीं उन्होंने 14th फाइनेंस कमीशन के निर्णय को बदला? केवल और केवल एनके सिंह ही चाहते तो 14th फाइनेंस कमीशन में जो हो गया था कि विशेष राज्य खत्म हो गया, उसको वह बदल सकते थे। तो नीतीश कुमार जी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है, नहीं तो एनके सिंह की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि नीतीश कुमार जी के ही पैरवी के कारण एनके सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने थे और उसके बाद भी उन्होंने नहीं दिया, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी का केवल यह शगुफा है, जमीन पे कुछ नहीं है। सर, 75% जो आरक्षण का दायरा है उसको नहीं, बहुत बहुत अरे बहुत ही अच्छी बात है, वो संविधान में 50 के पहले से है, सरकार का कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अपने निर्णय है, हम लोग उसका पूर्ण समर्थन करते हैं और हम लोगों ने भी महाराष्ट्र में किया है, कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। सर, पूर्व मंत्री है बिहार सरकार के, राजद के विधायक है सुधाकर सिंह, बोल रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ चुनाव में जाते हैं और जहां चुनाव रहता है वहां पर वो किसानों का वादा करते हैं और बीमा देने का काम करते हैं, बिहार को कुछ नहीं मिला। बिहार को मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि उनकी सरकार है, उन्हीं के पिताजी यहां पे महागठबंधन के सबसे प्रमुख बड़े दल के अध्यक्ष हैं, कृपया कर बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करवाएं। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो जाएगी तो बिहार के किसानों को भी दूसरे प्रदेश जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी। हो गया, के बयानों पर हो गया चुटकी लेते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और तेजस्वी प्रसाद यादव जो उपमुख्यमंत्री हैं वो कहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है बीजेपी। भाजपा ने 6,000 रुपए प्रत्येक किसान को दिया है, भाजपा ने प्रत्येक गरीब का घर बनवाया है, भाजपा ने प्रत्येक गरीब के घर में अनाज पहुंचाया है, भाजपा ने प्रत्येक गरीब के घर में बिजली पहुंचाई है, भाजपा ने प्रत्येक गरीब के घर में गैस सिलेंडर दिया है, प्रत्येक किसान के यहाँ बिजली दिया है, प्रत्येक बिहार के बाहर प्रत्येक प्रदेश में जल दिया है, यह सब केवल गरीबों के और गरीबों के लिए 66 योजनाएं हैं। नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी को बताना चाहिए कि एक योजना वह भी तो बताएं जो बिहार के द्वारा दी गई हो।